बस्ती से रत्नेश्वर मिश्र ब्यूरो चीफ बस्ती की रिपोर्ट, अवैध निर्माण पर डीडीए का बड़ा एक्शन। बस्ती विकास प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाना एक व्यापारी को बहुत भारी पड़ गया। बीडीए के नवागत सचिव और तेज तर्रार आईएएस प्रेम प्रकाश मीना आज तेवर में नजर आए और शहर के सबसे पॉश इलाके गांधी नगर में नेक्से के विपरीत निर्माण कार्य करवाने पर आज निर्माण स्थल पर खुद सचिव ने दल बल के साथ छापा मारा और रोक के बाद भी निर्माण कार्य देख व्यापारी पवन तुलस्यान को जमकर फटकार लगाए। सचिव ने कहा कि जब प्राधिकरण की तरफ से रोक का आदेश था, फिर कैसे निर्माण कार्य चल रहा था। अब जिला प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोक दिया है और जुर्माने के साथ साथ जल्द ही सीलिंग की कार्यवाही भी की जाएगी। पवन तुलस्यान प्रदेश के बड़े कपड़ा व्यापारी है और उनके कई कपड़े के प्रतिष्ठान हैं। शहर के पास इलाके में बेसमेंट के लिए कई फीट गड्ढा खुद जाने से अगल बगल के घरों पर खतरा मंडरा रहा था। ये था मामला। शहर के सबसे रिहायशी इलाके में बड़े व्यापारी पवन तुलस्यान ने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बेसमेंट का निर्माण कार्य कर रहे थे। लोगों के घरों के बीच में करीब 40 फुट गड्ढा खोद दिया गया। लोगों का आरोप है कि रात 2 बजे से मशीन के जरिए गड्ढे को खोदा जा रहा था, जबकि इस तरह पॉश इलाके में बेसमेंट के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदना अवैध है। अब आलम यह है कि गड्ढे को खोदने के बाद आसपास के दर्जनों घरों पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों के घरों की दीवारें दरक गई है और उन्हें डर है कि कब उनका मकान जमींदोज हो जाए। बीडीए के नियमों की अगर बात की जाए तो रिहायशी इलाके में बेसमेंट बनाने के लिए नक्शा ही नहीं पास हो सकता, और अगर पास कर भी दिया गया तो लोगों के घरों की दीवार से 3 मीटर की दूरी को छोड़कर ही बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा जा सकता है। लेकिन यहां इस नियम को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करा दिया गया है। इस गड्ढे की जद में को घर आ रहे हैं उन सभी की नींदें उड़ी हुई है और वो डीएम आशुतोष निरंजन से मिलकर इस मामले की शिकायत भी कर चुके हैं। डीएम ने बीडीए को व्यापारी पवन तुलस्यान को नोटिस जारी कर भवन स्थल को सील करने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब है कि पवन तुलस्यान शहर का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी है और अपने धंधों के जरिए पुलिस व प्रशासन को काबू में करके नियम विरुद्ध इस खतरनाक निर्माण कार्य को अंजाम देता आया है। उसके बाद ही अंदर जाते हैं। ग्राउंड से एपीसी है यार, फ्रंट भी वही है ना। वही बिल्कुल सही में देखिएगा, फ्रंट भी में एपीसी हो गया आपका, ये हो गया ऊपर एक पे चेसी ही। और यही होगा कि ये रैंप चलेगा यहाँ तक, अंदर जाकर मैक्सिमम पार्किंग होगी। अब ये मैक्स जो ये रैंप चलेगा इसका कितना है, 10-10 20 है ना। लेकिन आप नापोगे नहीं बैठेगा ही नहीं, कैसे बैठेगा। बस साइड में जाके छोड़नी चाहिए थी इसको, कितनी छोटी चीज है। हालांकि नियम 2 मीटर का था, 2 मीटर इसने तो पास कर रहा है, 3 मीटर पे कर रहा है जो नक्शा में है वही। 3 मीटर से 1 मीटर भी छोड़ा निर्माण हो रहा था गांधीनगर में, वहाँ गए थे आपने, क्या देखा और क्या कार्रवाई अब करेंगे? देखिए शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अवैध निर्माण करवाया जा रहा है वहाँ पे, शायद पहले नोटिस भी निर्गत कर दिया गया था और उसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका है। तो आज मौका मुआयना किया गया और ये खबर ठीक पाई गई कि वहाँ पे नोटिस के उल्लंघन करते हुए, नोटिस का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण अभी भी चालू है और अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है और इसमें अब जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि हालांकि उनका जो निर्माण है वो मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन अगल बगल के घरों की सुरक्षा को रखते हुए वहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल का उनका थोड़ा सा काम है उसको हमें उस पर विचार करना पड़ेगा कि उनको कुछ समय दे दिया जाए ताकि रिटेनिंग वॉल कम्प्लीट कर लें, मिट्टी वहाँ से ना खिसके, ताकि आसपास के घर वहाँ सुरक्षित रह चुके। उसके बाद जब उनका कंपाउंडिंग का नक्शा पास हो जाएगा ठीक तरीके से, उसके बाद ही आगे का निर्माण वो करवा पाएंगे। सर नियम क्या है?
देखिए इसमें कई तरह के प्रोविजन हैं और जैसा कि नोटिस जब हमने दिया था इनको उसमें भी स्पष्ट था कि निर्माण रुकवाने के बावजूद, नोटिस जमा होने के बावजूद भी अगर निर्माण आप करवाना शुरू कर देते हैं तो एक तो हम फोर्सफुली वहाँ का जो लेबर है उसको हटवा के निर्माण को रुकवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का उसमें प्रावधान है और अगर उसके बावजूद भी निर्माण कंटिन्यू रहता है तो सीलिंग का भी इसमें नोटिस के बाद प्रावधान है। तो सभी प्रावधानों को इसमें एक्सप्लोर करके जो भी उचित होगा बिल्कुल कठोर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन क्योंकि जो कर्मचारी थे वो क्या उनकी भी मानी जाए कि खामियां थी। देखिए ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि भी इसमें कर्मचारी भी संलिप्त थे या संदिग्ध थे और मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा आज तो कि जब इसका मेरे संज्ञान में आया तो इसमें स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायत सही पाई गई और अब जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो बिल्कुल सुनिश्चित। बार बार उन्होंने कहा कि त्यागी जी कहे थे कि करवा लीजिए ये, वो उन्होंने बार बार आपसे कह रहे थे, तो क्या त्यागी जी की सहमति थी उसमें उनको कराने? देखिए उन्होंने जो बात कही कि त्यागी जी ने कहा हमारी तरफ से ऐसा कोई भी अप्रूवल या कोई भी उनको संतुति या किसी भी तरह कोई डायरेक्शन BDA से नहीं गया है जिसमें उसको नोटिस के अलावा किसी भी तरह के निर्माण की किसी तरह की अनुमति दी जाए, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा कि BDA की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की सहमति उनको।